वेलकम बैक टू द चैनल। अब बहुत दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि व्लॉग करूँ, बट हो रहे नहीं है। बस आज कैसे कैसे करके स्टार्ट कर दिए लोग, अभी देखते। और वैसे हम लोगों ने ये सब प्लांट्स यहाँ पे थोड़े अरेंज किए और इधर भी लगाए, तो इसका छोटा सा क्लिप जो है आप लोग देख लो, फिर उसके बाद मैं कनेक्ट करता हूँ। ये सब अभी हम लोग ने खरीदा है प्लांट्स लगाने के लिए घर पे। सजी कुछ एक्सप्लेन करेगी, बहुत बार्गेन किया ना। कोरिएंडर का है सीड्स और कुछ का मेथी और पालक, किचन का गार्डन के लिए। कहाँ से ले रहे हैं अपन ये सब इंफॉर्मेशन? पेंडर का कॉलेज पता रहेगा जो डोंबिवली में रहते हैं, तो उसके नजदीक में बहुत सारे प्लांट्स के शॉप है, आप कहीं से भी ले सकते हैं। तू कोने में बैठ जा। इधर हम लोगों ने लगाया है मिर्ची और इधर कड़ी पत्ता। कोरिएंडर सीड्स दिखा जरा। पहले पता होता तो घर से ले लेती मैं। मैंने पहले ही बोला था कोरिएंडर सीड्स इसमें जाएंगे। इस कोरिएंडर ही है तो तुम्हारे घर पे रहेगा ना तो भी तुम डाल सकते हो, मुझे पता नहीं था। मतलब मुझे पता था पूरे इसमें डाल रही है कि हाफ इसमें डालना है। रैंडमली सब उगेगा ऐसा जरूरी नहीं है। क्या बात कर रही है, तुझे ऐसा लगता है कि डाला तो उगेगा ही, ऐसे नहीं होता ना। इतना डाल दी मैं, आधा डाली हूं। कोरिएंडर सीड्स इसी में मैं पालक भी डाल दूं क्योंकि वो दोनों एक साथ उग सकते हैं। कोरिएंडर सीड्स मैंने डाले हैं, अगर आपके घर पे होगा अखा कोरिएंडर का सीड्स तो डाल सकते हैं। ये पालक मैं डाल दूं। पालक का सीड्स बता कभी कैसा दिखता है? कुछ पता नहीं। अलग है बेडरूम की जो बालकनी है उसमें हम लोग एक छोटा सा वेजिटेबल गार्डन जैसे बनाने का सोच रहे, तो इसमें मेथी है, ये हम लोग खाद डाल रहे हैं, और इसमें कोरिएंडर एंड पालक, और ये है कड़ी पत्ता एंड दिस इज मिर्ची। मिर्ची में एक दो मिर्ची है। इसका पता नहीं, जैसे जैसे इसका प्रोग्रेस आएगा हम लोग ब्लॉग में बताते हैं। इधर भी एक फ्लावर पॉट, फ्लावर पॉट भी है। ये यूज्ड बॉटल हम लोग ने यूज करके जो है यहाँ पे एक लगाया है प्लांट, मनी प्लांट। नीचे यहाँ पे एक गणपति ऐसा कुछ सेटअप किया है। जो प्लांट्स लगाने का काम तो हुआ ही, साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें थी घर में। जैसे कि हम लोग ट्राई कर रहे थे कि घर का कर्टन्स बड़े वाले डार्क शेड में ले ले, तो ये लिया है हम लोगों ने। थोड़ा सा बड़ा है ये, देखो साइड में दिख रहा होगा, ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा नीचे से बड़ा है। ये साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि वो है ना फटने वाला चांसेस है, क्योंकि ये लोग है ना फाड़ देंगे, नहीं तो इसके लिए थोड़ा ऊपर ही रखा है इसको। ये थोड़ा 7 फीट है और ये 8 फीट तक, 7.5 फीट तक रखा है। और घर के सामने अभी कुछ बन रहा है गार्डन, वो दिखाता हूँ। सजी काम कर रही है, बाय बाय।
तो घर के सामने इधर गार्डन बन रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस। तो सज्जी को कुछ बोलने का था, क्या बोल रही थी सज्जी तू? ये मेरा वर्क स्टेशन है, तो यहाँ पे काम भी करती हूँ और सामने आपको मिरर में दिखता होगा सनसेट भी, तो दोनों एक साथ हो जाता है, काम और सनसेट मिस नहीं होता। तो काम बस मतलब ज्यादा स्ट्रेस हुआ तो चाय और सनसेट। तो बस ये आज का ब्लॉग बहुत छोटा सा ही था और ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग रेगुलर ब्लॉग्स डालें। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बस बी हैप्पी।